फाइनली आ गई अभी अपनी कार रिपेयर होके, जो भी काम था वी विल सी कि कितनी देर में हुआ है एंड क्या कुछ हुआ है। एंड मैंने वैसे तो देखो भाई एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल बोला था लगभग 4 बजे के आसपास, बट अभी टाइम हो रहा है 6:30, तो लगभग 2.5 घंटे ज़्यादा है, बट ठीक है कार आ गई वो भी काफ़ी। देयर इज़ आवर कार एंड वॉश हो चुकी है, बढ़िया से धुल चुकी है। लेट्स सी जो जो मैंने बोला था वो रिपेयर हुआ या नहीं, एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट आई विल टेल यू ओनली। भैया बता रहे क्या रिएक्शन था भैया वहाँ पे लोगों का? अरे वहाँ पे तो सब लोग देख देख के एकदम खुश हो गए थे। हाँ। तो अभी मैं भैया को दिखाता हूँ एक बार, ये यहाँ से ऑन करी देखना तार वाला निकाला हो नहीं, बस एक चीज़ देख लूँ। हाँ बैठे हो ना भैया, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। चारों सीटों में गाड़ी में, अच्छा जी। उसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और गर्मी में जब गर्म होती है ना हाँ। तो हवा आती है पीछे ठंडी, मतलब गर्म नहीं लगती है सीटें। हाँ। सही है ना? बहुत पसंद आया। चलो सामने फोटो भी ली गाड़ी की। अच्छा चलो भैया, मतलब पसंद आई ना सबको? चलो बढ़िया है, यही चाहिए। बाकी मैंने बेस मॉडल से टॉप मॉडल बनाई है, अच्छी लग रही है गाड़ी, अच्छी लग रही है। चलो भाई, तो भाई इसका बहुत बढ़िया है। धन्यवाद भैया। ये पहले ना ब्लू कलर की थी। हाँ। ये पूरी रैप थी ब्लू कलर में, और फिर बाद में इसको मैंने देखा। अच्छा देखा यूट्यूब पे? देख लिया यूट्यूब पे। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो, ये मेरे से एक अपर मॉडल है, ये अपनी LXi थी। हाँ। इसको मैंने ZXi प्लस बनाया, और ये VXi है। फर्क देख रहे हो कितना? बहुत ज़्यादा है ना। चलो भैया न्यू मॉडल लग रही है ना। और ये मीटर भी 2021 वाला है। हाँ। जबकि मेरी गाड़ी 2000 अपनी 20 मॉडल है। हाँ, वही सब कह रहे थे, है ना? एडवाइजर थे ना वो। हाँ। नेट पे डालते ही तुरंत मालूम पड़ जाता है। हाँ। ये थोड़ी मेंटेनेंस मांगती है वो, है ना। और बाहर से भी जो इसमें ये पेंट है ना, रैप है, ये फिल्म चढ़वा रखी है पूरी पे। हाँ, वो देख ये देखो ना, ये सब सिंपल है, ये तो ये भी मेंटेनेंस मांगती है, हाथ उत लग जाता है तो ये भी करने में थोड़ी दिक्कत। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल यहाँ पे ये दिक्कत हो जाती है, पर ठीक है भैया, शौक बड़ी चीज़ है अपनी, है ना। और फिर मेरा तो काम ही हो गया उसमें, यही है। एक बार फेस हटा दो, लोग आपका चेहरा तो देख लें। तो भैया ये भैया आए थे और चला के लेके गए, और चला के लेके, बाकी चलाने में कैसी लगी? बहुत अच्छी, सही है ना। चलो भैया बढ़िया। कितना अमाउंट है अपना? देख के सबको पसंद आ गया। यहाँ पे भैया आए थे, बड़े ही पसंद आए भैया। और भैया कह रहे थे कि आगे से फोटो लिए, अच्छी लग रही है ना दूर से? बहुत अच्छी है ना। धन्यवाद भैया, आप लोगों का ही प्यार है। अरे बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बाकी ये अपना चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। बिल्कुल, वो मोबाइल में है ना, फोटो लिया ना। अच्छा, तो सब्सक्राइब कर लूँगा मैं, आज ही कर दूंगा शाम। बिल्कुल, आप जाओगे कैसे अभी? अभी चला जाऊँगा। कैसे जाओगे? ऑटो से छोड़ के आऊँ ना? कहाँ जाओगे, थोड़ी सी दूर है, बता दो अगर वहाँ तक छोड़ दूँ मैं। मैदान तक आगे तक रोड पास में ही है, चला जाऊँगा। चलो बता दो छोड़ के आना तो। चलिए ठीक है, धन्यवाद भैया, हाथ तो मिला ना। धन्यवाद भैया। तो भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी जो आ चुकी है पूरी एकदम रिपेयर होके, एंड दिख रही होगी कि सफ़ेद तो जो है चमक ही रही है। और यहाँ पे जो है भाई, मैंने सर्विसिंग करा ली है, मेन तो अपना सर्विसिंग का ही था। एंड भैया कह रहे कि आगे से फ्रंट से भी अच्छी लग रही है, तो भाई देखो चीज़ बनाई है मैंने, एंड आई मस्ट से कि भाई मेरे को इससे इतना प्यार है तो दूसरे लोगों को तो होगा ही। बाकी वो सिंपल आपको स्विफ्ट दिख रही होगी ना, वो भी देख सकते हो कि भाई सिंपल स्विफ्ट से और अपनी स्विफ्ट कितनी ज़्यादा है। बल्कि वो मैं बता दूँ आपको, वो VXi मॉडल है, DDIS है, डीजल में ही अपनी पेट्रोल में। बट डिफरेंस इज़ कि भाई हाँ, आप अपनी गाड़ी कैसे रखते हो, कैसे संभालते हो, कैसे करते हो, एंड यहाँ पे भाई बेस संभालने पे ही है। एंड ये भैया मेरे से ये भी कह रहे थे कि भैया मतलब आपकी गाड़ी तो ऐसी गाड़ी है जो आप किसी भी वर्कशॉप पे नहीं दे सकते, आपको एक ऐसी वर्कशॉप पे देनी पड़ेगी जहाँ पे बहुत संभाल के करेंगे इस गाड़ी को, बिकॉज हमने आज तक ऐसी गाड़ी नहीं देखी। तो यार इट्स मतलब मैं बोलूँगा कि ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मारुति वाले तक इतने खुश हैं मेरी गाड़ी से, सेटिस्फाइड है मेरी गाड़ी से, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। तो इट्स वेरी गुड। एंड ठीक है भाई, कुल मिला के जो गाड़ी है अपनी A1 हो चुकी है। एंड ये एक शॉर्ट सी वीडियो थी जिसमें मेरे को आपको दिखाना था लोगों को कि भाई क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा इन लोगों गाड़ी से अपनी, और गाड़ी तो चमक ही रही है। हालांकि अंदर से भाई थोड़ी गंदी हो गई है, मैं बताता हूँ क्यों गंदी हुई है।
तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा भैया कि ये देखो यहाँ से मैली हो चुकी है, तो ऑब्वियसली बात है कि मारुति वालों ने बैठ के देखा होगा इसमें। और ठीक है कोई इशू नहीं यार, अगर गाड़ी ऐसी बनाई है तो यू डोंट नीड टू एक्चुअली केयर अबाउट दैट, बिकॉज भाई अगर आप मतलब देखते हैं लोग तो कोई इशू नहीं है। गंदी तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये हो रखी है यहाँ से, ये हो रखी है, ये हो रखी, तीन चार जगह से जो यहाँ से कितनी गंदी हो रखी है, और इतनी गंदी थी नहीं जब मैंने दी थी, बट ठीक है यार मेरे को कोई इशू नहीं है इस चीज़ में कि अगर गंदी भी हो रही है, बिकॉज मेरे को पता है ना कि भाई आपने गाड़ी ऐसी बनाई है तो लोग जो है वो तो बैठ के देखेंगे ही इसमें। तो यहाँ से बंद कर देते हैं, और जो सर्विसिंग पे वीडियो होगी वो एक सेपरेट आएगी एकदम, और वो सेपरेट इसलिए आएगी बिकॉज मेरे को सर्विसिंग से रिलेटेड कुछ जो है बातें करनी हैं आप लोगों से, एंड आई नीड टू टेल यू अबाउट समथिंग रिलेटेड टू मारुति सुजुकी, बिकॉज वी थिंक दैट मारुति सुजुकी की जो सर्विसिंग है दैट्स चीप, बट दैट्स नॉट एक्यूरेट एंड दैट्स नॉट ट्रू कि ये चीप है। देर आर मैनी रीजन एंड सर्टल रीजन आई कैन टेल यू, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर यार एक चीज़ देखो यार, मतलब ये जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ ना यार, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यू कैन सी भाई बनाने पे मेन, यहाँ पे ये देख सकते हो ये, और वहाँ पे वो देख सकते हो, भाई कितना ज़्यादा डिफरेंस जो है इन दोनों गाड़ियों में है। एंड मतलब ठीक है भाई, देखो प्यार हो जाता है यार उसको देख के मेरे को, जब जब मैं उसको देखता हूँ मेरे को प्यार होता है यार उससे, सीरियसली। गाइस यहीं से माशाल्लाह बाय बाय, टेक केयर, एंड आई होप कि आप लोगों को जस्टिस पेश आ रहा होगा भाई। बाय बाय और धन्यवाद, और टेक केयर करिएगा आप लोग भी। यहाँ पे सारी वाइट गाड़ी खड़ी है, बट एक अकेली जो वाइट चमक रही है वो आपको समझ आ रही होगी भाई, एक अकेली वाइट जो है इसमें डिफरेंस यहीं पे दिखता है एकदम। तो ठीक है, और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे एक और ऐसी नई वीडियो में, नए चैप्टर में, एंड मारुति सुजुकी वालों का भी रिएक्शन आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि कैसा कुछ था। एंड कुल मिला के जो सर्विसिंग तो करानी थी भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर होती जा रही थी सर्विसिंग का अमाउंट, जो बहुत ज़्यादा आया है, एंड उसी बारे में जो है मेरे को आप लोगों से बात करनी है। तो जब मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा वो आप लोगों को पता चल जाएगी। ठीक है, थोड़ा